नमस्कार। आज आपसे इस संसार में आज तक जो सबसे प्रचलित ध्यान की विधि है उसकी बात करते हैं। सांसों की आवश्यकता हमें कितनी है यह सब भली भांति जानते हैं। सांस पर हमारा जीवन टिका है। सांस का हमारे शरीर में आना मतलब शरीर का जीवित रहना है। प्राणवायु सांस से ही हमें प्राप्त होती है। अब अगर आप इसको साक्षी भाव से अनुभव करना शुरू कर दें तो पूरा जीवन रूपांतरित हो सकता है। विधि क्या है? सिर्फ सहज रूप से सांसों के आवागमन का अनुभव। सांस हमारी नासिका के दोनों छिद्रों से अंदर आती है और वहीं से स्वतः बाहर जाती है। अगर हम स्थिर और सुखपूर्वक सांसों के आने और जाने को बंद आंखों से अनुभव करना शुरू करें तो मन पूर्ण रूप से शांत होता चला जाता है। विचारों की भीड़ कम होती जाती है और धीरे धीरे वह पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़ती है। आपने 10 मिनट लगातार बैठकर नासिका में श्वास को बंद आंखों से देखना है। सांस ज्यादा समय एक ही नाक से अंदर आती है, अर्थात हमारी एक नासिका छिद्र ही चलता है। जब आप इस पर केंद्रित होते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि सांस बाई और या दाई या दोनों ओर से चल रहा है। बस यही लगातार धैर्य के साथ करना है। महात्मा बुद्ध कहते थे, ये प्रयोग करो और जीवन को नई दिशाओं में ले जाओ। आज भी यह प्रयोग उतना ही सार्थक है जितना बुद्ध के समय में था। शब्द का प्रयोग आपकी मर्जी पर है। शुद्ध सांसों के आने जाने को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।